नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तमाम अहम जानकारियों के साथ करते हैं। खबर गुरुग्राम से, जहां पर सोहना रोड के लोगों को हरियाणा का पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है शुरू होने वाला है। नेशनल हाईवे 248 की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम और सोहना के बीच की दूरी कम करने के साथ यातायात को सुगम बना सकेगा। इस हाईवे के निर्माण के पैकेज एक में करीब 1000 करोड़ रुपए और पैकेज दो में करीब 944 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का भी काम करेगा। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड नेशनल हाईवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, जिसे 2021 में पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड आने के कारण इस योजना को पूरा करने में देरी हुई। और साथ ही आपको बता दें कि हाईवे बनने के बाद सड़क दुर्घटना में भी काफी कमी आएगी। गुरुग्राम वासियों को जल्दी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दूं कि हरियाणा के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर का 11 तारीख को शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। आपको बता दूं 23 किलोमीटर लंबा ये पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जिसमें करीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दूं कि सोहना रोड पर सबसे अधिक जाम लगता था, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार की ये योजना थी। आपको बता दूं अब मात्र 20 मिनट में गुरुग्राम से सोहना का जो सफर है वो तय करा जा सकता है। लेकिन अब 11 तारीख को इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की शुरुआत के बाद जहां गुरुग्राम सोहना रोड वासियों को राहत मिलेगी, तो वहीं पर तमाम गुरुग्राम वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर गुरुग्राम के सुशांत लोक एक में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन समेत दूसरे मुद्दों को लेकर 153.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने अपने आदेश में 3 महीने के भीतर जुर्माने की राशि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने बिल्डर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को धन शोषण निवारण कानून के तहत बिल्डर के खिलाफ जांच करने के भी आदेश दिए हैं। देखिए, कोई भी जो जगह जहां आप रहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वहां जो फैसिलिटीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको कॉलोनाइजर ने प्रॉमिस किया था, जो उसके कागजात देते हैं, जो मौके पे है, वो हमेशा के लिए रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है टू लिव इन एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव, वो हमारा छीना ना जाए। और हम वी आर ग्रेटफुल टू एनजीटी कि उसने इस कॉस्ट के ऊपर में कार्रवाई की गई है। पर ऑन फील्ड कुछ भी नहीं हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एनजीटी का ऑर्डर्स आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी है। अब मानोगे नहीं, हम हर पुलिस डिप्टी कमिश्नर कहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और काट के चले गए, पेड़ उड़ सारे काट दिए। 20-20 साल पुराने पेड़ हैं, पीपल के पेड़ थे बड़े, जिसके नीचे सारे हंसते थे, सुबह योगा करते थे, सब काट वाट के चले गए। और आप बता रहे हैं 5 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। आप इमेजिन कीजिए, ये क्या जगह है बिल्डिंग बनने के लिए, जहां हम लोग सब रह रहे हैं, जहां पर एक गाड़ियां मुश्किल से दो गाड़ी चल सकती हैं, यहां के एम्बुलेंस चलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसमें गौर किया जाए और हमें हमारे पार्क वापस किया जाए, हमारा हार्ट ऑफ आवर तो। वहीं हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम इन दिनों गुरुग्राम पुलिस के रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। पिछले 72 घंटों में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों को हरियाणा स्टेट विजिलेंस की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। गुरुग्राम में 2 दिन पहले फरूख नगर थाने में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ASI को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। आज दिनांक 7/7/2022 को सतीश कुमार डंपर चालक निवासी नांगलचौर महेंद्रगढ़ ने आकर शिकायत की कि वह 4/7/2022 को अपना डंपर लेकर फरीदाबाद से महेंद्रगढ़ जा रहा था, तो ग्वालपाड़ी में तैनात हेड कॉन्स्टेबल सुनील ने उसको डंपर को रोक कर उससे मतलब जो है कहा कि जो अगर डंपर चलाना है तो आपको 10,000 रुपये मंथली के रूप में देना पड़ेगा, जो इन्होंने कहा। इस बात की उसने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है यहाँ पे रेडिंग पार्टी तैयार की गई। रेडिंग पार्टी तैयार करके नियम सर कार्रवाई करके
₹10,000 रेड हैंडेड बालपाड़ी चौकी से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से जहां लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। इतना गर्मी में परेशान है, खड़े हैं, तो सब परेशानी के जरिए है। और क्या का मांग है अब हमको क्या पता है। अरे हमारा सुचारू रूप से काम हो सही ढंग से, हम 2 घंटा से खड़े हैं यहाँ पर, तो सब लोग बाहर में अपना मीटिंग करके बैठे हुए हैं, अपना जो भी मांग हो। हमने टोटली 8 समस्याओं से अवगत करा था। कुछ QR का मामला है हमारा, QR हमारी 2-3 साथियों की गलत लिख दी, कुछ लिखने में देरी करी, गलत कमेंट्स दिए, इनके बारे में हमने किया था। 16/6 को हमने लिखित में एक रिमाइंडर लिखित में हमने दिया था। फिर उसके बाद में हमारे से कोई मीटिंग बातचीत नहीं हुई। 21/6 को फिर हमने दोबारा रिमाइंडर दिया। 28/6 को हमारी फिर हमारे साथियों ने बगैर बुलाए हमारे यूनियन के साथियों ने बात करी। SDO साहब ने बड़ा अड़ियल रवैये से कोई हमारे साथियों के साथ अच्छे से बात नहीं करी। कर्मचारी कभी भी कार्य बंद करना नहीं चाहता, अधिकारियों को लिखित तौर पर दिया हुआ है, उन्होंने बुलाया नहीं। जिस जिस काम पे सहमति बनी वो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ना लिखित में दिया ना मिनट को मीटिंग दी। तो सोना के देवीलाल खेल स्टेडियम में लगने वाला तीज मेले का खिलाड़ियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। खिलाड़ियों का कहना है कि मेले लगने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पूरी तरीके से प्रभावित हुई, वहीं स्टेडियम की हालत भी खस्ता हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से तीज मेले को किसी अन्य जगह पर लगाने की गुहार की है, लेकिन दूसरी तरफ तीज मेला समिति ने एक बैठक करके 8 जुलाई को सोहना के देवीलाल स्टेडियम में हरियाली तीज मेला लगाने के ठेके का ऐलान कर दिया है। समिति का कहना है कि इससे स्टेडियम समिति को मोटा मुनाफा होता है, लेकिन इस मुनाफे के कारण प्रशासन और समिति पूरी तरीके से खिलाड़ियों की समस्याओं को दरकिनार कर रही है। सर, जो भी हमारे ये खेल परिसर है, इसमें अगर हरियाली तीज मेला लगेगा ना, तो बच्चों ने काफी टाइम से लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा उभर के आए बच्चे हमारे क्षेत्र में, तो उनके में रुझान भी स्पोर्ट्स के प्रति कुछ करने का जज्बा दिख रहा है। कल का हमारा क्षेत्र का फ्यूचर भी दिख रहा है उन बच्चों में। सर, यहाँ पे मेला लगता है तो बच्चों का जो खेल है वो बहुत बुरा प्रभावित होगा। 1-1.5 महीने से लगभग ये मेला लगा रहेगा और उसके बाद इसको बिल्कुल खराब कर दिया जाएगा स्टेडियम को। प्रति वर्ष तीज मेला का आयोजन होता था 30 से पहले, तो क्योंकि 2021 में कोरोना की गाइडलाइंस थी, इंस्ट्रक्शंस थी, मेला भी लगाया जा सकता था, अब की बार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो ये एक स्टेडियम की इनकम का सोर्स भी है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का प्रयास भी है। तो कल हमने मीटिंग ली थी, तो 8 तारीख को मेले लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को वहीं पर मौके पर बोली लगाकर मेले को आयोजन करने का उनसे फीस ली गई। आप जानते हैं कि हम खिलाड़ियों पर इस मेले का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है जी, क्योंकि हम खिलाड़ी इस मैदान में प्रैक्टिस करते हैं और अगर इस ट्रैक पे अगर मेला लगेगा तो उसके बाद इसमें गड्ढे हो जाएंगे और आने वाले 2 महीनों में बच्चों के फिजिकल आने वाले हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस मेले को किसी और स्थान पे लगाया जाए। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से काटे गए चालान को भरने के लिए आप लोगों को चालान ब्रांच के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस की तरफ से और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोगों को सहूलियत देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति चालान ब्रांच यदि चालान नहीं भरना चाहता है तो वह कोर्ट में आकर भी अपना चालान भर सकता है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस की तरफ से चालान की रकम ज्यादा है और वह व्यक्ति से भरने में सक्षम नहीं है तो चालान को कोर्ट के मार्फत भर सकता है। इसके लिए की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी लोगों की सहायता करेगी। मेरा एक चालान कट गया था जो मुझे पता ही नहीं चला मेरा किस वजह से कटा था, कि रेड लाइट जंप है, ओवर स्पीड है, मुझे पता ही नहीं था। तो बड़ा परेशान था, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे चले जाओ कोर्ट में। तो यहाँ आया तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं पता चला। फिर एक हेल्प डेस्क मिला मुझे, तो यहाँ पे जब मैं आया तो उनकी हेल्प की वजह से मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा चालान किस वजह से कटा है और मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। मतलब हेल्प डेस्क से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। थैंक्स।
सर अगर किसी के पास चालान नहीं है वो हमारे पास गाड़ी का नंबर लेके आ सकते हैं और हमारे हेल्प डेस्क पे आओ, हम उनको चालान का रोड नंबर और उसका अपना कोर्ट नंबर बताएंगे और हम एक हमारे पास एक फॉर्म है ये जो आप हम आपको दिखा सकते हैं कि फॉर्म हम आप हमारी तरफ से दिया जाएगा और इस फॉर्म को भर के और आधार कार्ड के फोटो लगा के फाइल के साथ आप कोर्ट में अपना चालान भुगत सकते हैं।